जितने आपके क्रिस्टल जालक होते हैं उन सभी क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कण होते हैं वह कितना स्थान घेरते हैं उसी के लिए पढ़ा गया था। ठीक, एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा जल्दी जल्दी देख लीजिए, वह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको आने वाले चार डेरिवेशन उस पर किए जाएंगे। हेलो, आने वाले चार डेरिवेशन उस पर किए जाएंगे, इसलिए वह जरूरी है। तो एक बार फिर से एक झलक देख लीजिए, जल्दी जल्दी 5 मिनट के अंदर में देख लीजिएगा। ये बताइए क्या बनाए थे, एक क्या बना था? हाँ, एक इकाई सेल बना था। जल्दी जल्दी देखिए, करंट की तरह देखिए, एक बना था इकाई सेल। अब इसी इकाई सेल में कितने कण है, कितने कण बताओ, कितने कण, कितने आयतन में कितना स्थान घेरे हैं, यही निकालने के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता कहते हैं, बताइए संकुलन क्षमता निकालने के लिए क्या किया गया था, क्या लिखे थे सबसे पहले एकक, क्या लिखे थे एकक कोष्टिका का क्या लिखा गया था? हाँ, एकक कोष्टिका का आयतन था आयतन। ऊपर बताओ क्या था, ऊपर बताइए, पूरा का नीचे ऊपर क्या था? नहीं, अवयवी कणों का आयतन, एक नहीं अवयवी कणों का आयतन था। ठीक, यानी कोष्टिका में जो अवयवी कण होंगे, अवयवी अवयवी कणों का क्या था? हाँ, कणों का आयतन था। ठीक, जल्दी जल्दी देखिए आयतन। अब देखिए गुणे कितने से किए थे, 100 से गुणा किए थे। बताओ अवयवी कण कितने थे, ये नहीं पता था, तो अवयवी कण नहीं पता थे इसलिए बताओ किसकी सहायता लिया गया था, प्रभावी कण का। हमने क्या निकाला था कि पीई बराबर क्या निकाले थे, प्रभावी कण। अच्छा, प्रभावी कण में क्या आया था, एक कण की संख्या, मतलब कणों की संख्या लिखे थे, क्या लिखे थे, कणों की, हाँ कणों की संख्या, गुणे क्या लिखे थे, किसका, एक कण का आयतन, एक कण का क्या था, आयतन था, आयतन आयतन, सुनिए, बटे क्या था, एक कोष्ठिका, मतलब क्या हो रहा था, ए क्यू, यही आपकी भुजा बताओ, ये ए हो जा रही थी, ये भी क्या थी, क्यों ए थी, ये भी आपकी क्या था, ए, क्यों था ए बताइए, क्योंकि ये क्या आपका एक घन है, क्या है ये घन है, तो घन में क्या होता है, या घनी कर लीजिए या घन कर लीजिए। ठीक, तो इसलिए हो रहा था। कण की संख्या को बताओ किससे दिखाते हैं, जेड से। अब बताओ एक कण का आयतन क्या था, 4/3 पाई आर क्या था, क्यों बटे क्या हो रहा था, ए क्यू, यही आपका पीई का क्या था, संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी के क्या आए थे, डेरिवेशन आए थे। हाँ, गुड़े गुड़े, गलत बताते हो, गलत बताते हो, गलत बताते हो, गलत बताए हो ना, नहीं गलत बताओ तब हम सही लिखे हैं, गलत नहीं लिखे तब बताए हो, तो गलत बताते हो। चलिए, ये आया था। ठीक, अब इसके बाद हमको क्या करना है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बताइए, किसके किसके लिए, यस सी सी और क्या बी सी सी, और इसके बाद, हाँ यफ सी सी, कहीं कहीं ऐसे लिखा रहेगा, इस्माल भी लिख देगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है, सब वही है, हमेशा आपको इस्माल ही मिलेगा। तो सुनिएगा, इन सभी का हम लोग क्या करेंगे, संकुलन क्षमता की गणना करेंगे। किसके लिए सबसे पहले, तो बताइए हेडिंग क्या होगी, एससीसी में संकुलन क्षमता की गणना, या तो क्या होगी, एससीसी के लिए संकुलन क्षमता की गणना, या तो सरल घनी एकक कोष्टिका में संकुलन क्षमता की गणना। तो बताओ संकुलन क्षमता की गणना से हम लोग क्या प्राप्त करेंगे, कि किसी भी क्रिस्टल जालक में कितने भाग कण द्वारा घिरे हैं और कितने खाली हैं, ये पता करने के लिए कौन आते हैं, बताओ। कल आपको पढ़ाया गया था आयतन, बताओ कै लोगों को लेकर आता है, हाँ कौन कौन से, ठीक बताओ, अगर क्षेत्रफल गलती से आए तो कितने लोगों को लेकर आएगा, दो लोगों को लेकर आएगा, लंबाई और चौड़ाई। ठीक, ऊंचाई बढ़ जाएगी तो आयतन हो जाता था। बताइए अवयवी कण किस रूप में होते हैं, अवयवी कण बताइए कैसे होते हैं, नहीं ठोस गोले के रूप में होते हैं। ठीक, खोखला गोला आपका अलग होता है, ठोस गोला अलग होता है, बोल रहे हैं क्या, ये सब क्लास 10 में नहीं कुछ पढ़े थे मैथ में, उसमें बताया जाता ना, खोखला गोला आपका अलग होता है, ठोस अलग होते हैं। ठीक, तो हमेशा ये बात याद रहे, आप ठोस अवस्था पढ़ रहे हैं ना, तो ठोस अवस्था पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको क्या मिलेंगे, ठोस ही मिलेंगे। तो बताइए अवयवी कण किस अवस्था में होते हैं, हाँ ठीक, ठोस गोलों में होते हैं। ठीक, अच्छा बताओ अवयवी कण जब आएंगे तो अपने साथ किसको लेकर आते हैं, या अवयवी कण की संख्या के लिए बताओ किसको लेकर आया जाता है,
हाँ प्रभावी कण मतलब जेड लेकर आते हैं जेड। तो बताइए हेडिंग क्या पड़ेगी एससीसी की, एससीसी की बताओ क्या? हाँ संकुलन, संकुलन क्षमता, बोलो क्षमता। हाँ बोलो, हाँ ना बोलोगे? ठीक चलिए बताइए एससीसी पहले लिख रहे हो का? समय दिया जाएगा छापने के लिए, समय दिया जाएगा। देखिए आंधे, अब देखिए एससीसी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये सब पेपर में आपके पूछे जाते हैं। कहाँ पूछे जाते हैं? हाँ ये पेपर में सीधे सीधे दो नंबर में पूछ लिए जाएंगे, दो नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक चलिए देखिए बताइए किसकी संकुलन क्षमता है? तो ये एससीसी का पहले क्या बनाए, इसके पहले हम संकुलन क्षमता किसका निकाले थे? किसी भी क्रिस्टल का। तो उसके लिए हम क्या बनाए थे? एक इकाई सेल बनाए थे। अब की बार क्या है, अब क्या बनाएंगे बताओ? इस मकान का, इस रूम का निकालना हो तो बताओ कहाँ आना पड़ेगा आपको? रूम में आना पड़ेगा, मतलब देखेंगे ना ये चीज जगह। तो ऐसे ही आपको बताओ क्या दिखाएं हम आपको, बताइए एससीसी। चलिए एससीसी देखिए कैसे दिखाई देती है, जानते हैं एससीसी, देखे हैं इसको? चलिए हम आपको दिखाते हैं ये कौन सी सीसी है। ये सीधा खम्मा है, देखिए ये आपकी सीसी बन रही है। अब देखिए बताइए एससीसी का आकार कैसा होता है, आकृति कैसी होती है बताइए? घन जैसी ना होती है, सब तो घना होंगे ना इसमें? कुछ सोच रहे थे का? पक्का उल्टा सीधा सोच रहे होंगे। ठीक बताइए, ये बताइए क्या बनेगा? और ये पक्का कुछ लोग वही सोच रहे थे कि ये 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 लंबाई की तरह होगी, चौड़ाई की तरह होगी, ऊंचाई की तरह होगी, अरे घन होगी ना ये। ठीक अब देखिए है, अब बताइए ये जो बना है आपका घन बना है, अब इसमें कण ये सीसी क्या कहती है? ये सीसी कहती है कि हमारे कहाँ कण होंगे? हाँ बताइए, आप बताइए, आप स्कूल आते हैं आपका कहते हैं हमारी सीट पीछे है, आप आते ही क्या कहते हैं? हमारी सीट पीछे है, आते ही तुरंत कहते हैं ना ये हमारी जगह। तो बताइए ये क्या कहती है? ये कहती है कि हमारे पास जो व्यवस्था है, हमारी जो आकृति है, उसमें कण कहाँ होते हैं? हाँ चलिए खूब चमराए, ये रहा आपका कोना, कितने कोने होते हैं कोष्टिका के? आठ होते हैं, आठ। ये कौन बताया था, ये कौन बताया था? हाँ ये यही बताएगी, और कौन बताएगा बताओ? हम क्या है कौन बताएगा? दूसरा कोई बताएगा हमारे बारे में नहीं, किसी के बारे में दूसरा लोग बताते हैं, हम बता सकते लेकिन ऐसा संभव नहीं ना, वह नहीं जानेंगे कहाँ है हम। देखिए ये क्या बनाए, बना सरल घन यही ना है। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें बताइए ये जो लंबाई है बताओ किसके किसके बराबर होगी? ये लंबाई बताओ इसके भी बराबर होगी, ठीक, और इनके भी बराबर होगी। ठीक अगर हम इनको क्या मान लें, यहां से यहां तक बस, क्या माने? बस बस। ठीक तो एक ए मान दिए तो सब क्या होगा, सबकी बनाने की आवश्यकता है? चलिए अब सुनिए ध्यान से, किसी दो गोले को क्या कर रहे हैं, एक भुजा को, एक रेखा को हम जूम कर रहे हैं। हाँ जूम किया जा रहा है इसको, ठीक जूम करें। ये बताओ, ये बताइए जो कण है, कण कैसे होते हैं? ठोस गोले के रूप में होते। कई बार बताया आपको, गोली गोली बताए थे, डिब्बा डिब्बा हम गोली भर रहे थे, गोलियां भरेंगे, यहाँ भरेंगे, वहां भरेंगे, कितना भाग खाली होगा, कितना भरा होगा, कितने अंदर होते कितने बाहर होते, इसके लिए कौन आया था? गोली ना आई थी? गोली खोखला होती है, कैसी होती है? ठोस होती है, तो बोलिए ठोस गोले होते हैं। चलिए अब इन ठोस गोलों को हम बनाए, ये वाला जो भाग देख रहे हैं, ये वाला भाग ये देख पा रहे हैं? पता है कैसा दिख रहा है ये बताओ, देख तो कहे हो ना कि देख पा रहे हैं, तो बताइए कैसा दिख रहा है ये बताइए? ये देख रहे हैं, इनको देखिए ध्यान से। अब देखिए यही दोनों, ये जो रेखा गई है इसी रेखा को हम बना रहे हैं, ये आपकी क्या है? यही ना है। अब इसमें जो गोल है, ये जो गोल है बताओ इनको क्या किया जा रहा है? हाँ इनको जूम करेंगे, देखिए कैसे दिखेंगे। ये जो होते हैं, ये जो गोले हैं, सभी गोले इसमें जो है आपको कैसे दिखाई देंगे? देखिए ये दिखाई देते हैं, ये कैसे दिखाई देते हैं? ये होते हैं इनके क्या, गोले। ठीक ये बताओ दूसरा गोला क्या होगा? एक गोले दूसरे गोले को स्पर्श करते हुए रखे जाते हैं। अब ये देखिए कोना वाला आपका एक यहां हो गया, ये हो गया, दोनों इसके क्या हो गए? केंद्र हो गए, केंद्र। इसको क्या समझना है आपको? केंद्र समझना है। ठीक मतलब गोले बताओ, बताइए दो गोली को बताओ ऐसे अगर एक साथ चिपका दें दो गोली को, तो कैसे रहेगी? दो गोली एक साथ चिपकाया जाए कैसे रहेगी?
इसमें गोली लेकर आना पड़ेगा, एक दर्जन गोली खरीदना पड़ेगा। अभी आपके निबिड़ मिलेंगे तो गोली की आवश्यकता पड़ेगी, निबिड़ संकुलन मिलेंगे तो उसमें भी गोली की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो लोग खेलते होंगे चुरा कर लेकर आएंगे, ठीक। देखिए समझना क्या है बताइए, जैसे 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 दो गोली समझ लीजिए, कितनी गोली, दो गोली को बताओ एक साथ चिपकाएंगे, एक साथ चिपकाएंगे तो बताओ वह दबेगा नहीं दबेगा, तो कुछ ऐसे दिखाई देगा दो गोली, स्पर्श होगी तो, ठीक। अच्छा इसमें जो ये बना हुआ है ना, ये जो कोने बने हैं ना, कोने इसके कहां होते हैं, केंद्र पर होते हैं। बताओ ठोस है ना तो ये पूरा भरा होगा ना, ठोस है तो क्या होगा ये इसीलिए कभी कभी अजिया बंद हो जाती है। अरे कल परसों तो तीन दिन तक बनाए, तीनों दिन अजिया नहीं आई, उसमें हम पता नहीं समझ पा रहे कैसे बना रहे हैं, अजिया नहीं आ रही, फिर जाके रूम में मेहनत करना पड़ा बिना मतलब का। चलिए देखिए अब ये जो बन गया, अब इसमें ठोस ही है, ये कैसा आपका है, पूरा लेसन ना ठोस ना है। अब बताइए ठोस है तो ये गोले हम ऐसे दिखा रहे हैं तो क्या गोले ऐसे है चुका होंगे, उस पर तो ठोस बनेगा, कड़ इतने दूर दूर होंगे नहीं, पास पास होंगे तब ठोस होगा। तो ये इसी कड़ को हम क्या कर दिए, यहाँ पास पास कर दिए हैं, कोई दिक्कत। अब बताइए बताइयो इनको, इनको बताइए तो ये बताइए, ये जो यहां से लेकर के यहां तक ये जो भाग है इनको बताओ क्या होगा, ये पूरा टोटल क्या, ये वाला पार्ट बताओ ए है तो ये भी क्या होगा, कुछ दूसरा सोच रहे का, पक्का है कुछ सोच रहे होंगे, ठीक। देखिए नहीं सोच रहे हैं, देखिए क्या है ये, तब ये बताओ क्या होगा, तब इसको थोड़ा सा यहाँ मिटा दे रहे हैं, कोई दिक्कत। ये पूरा पार्ट आपका क्या हो गया, ए हो गया, कौन सा मामला इसमें नहीं ना। अच्छा अब बताइए ये गोला है, ठीक, तो बताओ बताओ ध्यान से देखिए, ये बताइए ये जब गोला बनेगा तो गोले में अगर ये केंद्र बनेगा तो बताओ ये क्या है, हाँ ये क्या होती है, त्रिज्या है, तो बताओ ये क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक की दूरी बोलो क्या होगी, आर होगी, आर यही ना होगी। बताइए इसके लिए, बताइए इसके लिए यहां से लेकर के यहां तक की बीच की दूरी बताओ क्या होगी, जल्दी बताइए, आर होगी, आर आर होगी, आर होगा, दोनों कोनो दिक्कत, आर हो सकते हैं, ठीक। हाँ अब देखिए आर होगा, ये भी आपका आर है, ये भी आर है, दोनों आर है, कोई दिक्कत। अब बताइए बताइए कि ए जो है किसके बराबर है, ए किसके बराबर है, ए ए बताइए, ना ना व्यास के बराबर है, एक गोले का व्यास क्या होता है, नहीं जानते हैं, त्रिज्या के संबंध में दोगुना होता है, त्रिज्या के संबंध में क्या होता है, दोगुना होता है, मतलब बताइए अगर कोई अगर हमारे बताइए कहां तक आ रहे हैं, यहां तक, अगर कोई हमारे लंबाई का यहां तक अगर आए तो मतलब वो हमारे क्या है, त्रिज्या है, और हम उनके क्या है, जिया व्यास, ठीक, व्यास है, क्या है, व्यास है, ठीक, समझे। मतलब बताइए कोई अगर आप घर गए, आपके घर कोई लड़का बताओ ऐसा आ रहा है तो क्या होगा आपका, आप उसके क्या होंगे, जिया व्यास, ठीक, समझे, पता चला व्यास क्या होता है। अब देखिए ये जो व्यास बन रहा है, सुनिए ध्यान से, अब देखिए देखिए सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, सुनो गौर से, गांव, हाँ गांव वालों, ठीक। चलिए देखिए हम तो स्मार्ट सिटी के हैं, देखिए क्या है, आर है ना, बताइए ए ए ए का मतलब क्या होगा, ए का मतलब बोलिए, ए ना ए का मतलब क्या होगा, भुजा, ये का मतलब क्या है, भुजा। अब बताओ ए बराबर, बोलो ए बराबर क्या हो सकता है, आर प्लस आर हो सकता है, बताइए आर प्लस क्या होगा, कोई संभावना सोच रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, चलिए बताइए। अब बताओ ए बराबर बोलो क्या हो जाएगा, टू आर, बस बस इसको मान लीजिए काई है, मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए, नहीं मानेंगे, मत मानिए, मिटा दे रहे हैं तब, आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक है ना, मान सकते हैं, मत मानिए, क्या दिक्कत है, नहीं मानेंगे तब भी आएगा काम होगा। तो बताओ हम क्या बनाए, बताइए ये आपकी क्या थी, हाँ ये आपकी थी इकाई सेल में क्या थी, यस सी सी यानी सिंपल क्यूबिक सेल था, और उसमें आपको मिला था सरल घनीय एकक कोष्ठिका, सरल घनीय एकक कोष्ठिका की हमने क्या बनाया था, तस्वीर बनाया था, तस्वीर, ठीक, चित्र बनाया था, उस चित्र में से एक भुजा को क्या कर दिए थे, जूम किए थे। बताइए फोटो देखते हैं मोबाइल में, कभी ऐसी संभव कभी ऐसी संभावना आती है जब जूम करना पड़ता है, कभी ऐसी कंडीशन आती है क्या, जो हम सोच रहे हैं वही सोच रहे हैं, देखिए, ठीक, कब जूम करना पड़ता है समझ रहे हैं। चलिए देखिए अब बताओ एक को अगर जूम किए तो बताओ क्या मिलता है, बताओ इनके एक भुजा को जूम करेंगे तो क्या मिलेगा,
दो गोले मिलते हैं ना, बताओ एक भुजा को निकाल देंगे तो बताओ कितने गोले लेकर आएगी, दो गोले लेकर आएगी। अब बताओ दो गोले लेकर आए, दोनों गोला बना दिए हैं, दोनों गोले में क्या किए हैं, त्रिज्या त्रिज्या दोनों की क्या कर दिए हैं, मिला दिए हैं, ठीक। यानी कोई अगर आपसे पूछे कि बताइए, इससे यह भी पता चलता है कि जो आपकी कोष्ठिका होती है उस कोष्ठिका में जो गोले होते हैं उसके कोने पर बताओ कोष्ठिका का या गोले का क्या होता है, केंद्र होता है। बताइए गोले का क्या होता है उसके कोष्ठिका के कोनों पर, कोष्ठिका के कोनों पर गोले का क्या होता है, केंद्र होता है, ठीक। पता चला, प्रभावी कण भी आप निकाल रहे थे, बताइए बताइए अगर न समझ में आए तो प्रभावी कण आप ऐसे निकाल रहे थे, देखिए आप ऐसे बताइए प्रभावी कण निकाल रहे थे जब, तब भी आपको बताया गया था, एक बार बताया गया था ऐसे कि कण बताओ कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, इसी में बताओ इस पर होंगे, तब ने आपको बताया गया कि एक थे कोने पर जो कण होते हैं एक बटे आठों भाग होते हैं, बाकी है सब अगर मिटा देंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, ये सब जो है फरके हो जाएंगे, फरके फरके का मतलब दूसरे ओर चले जाएंगे, तो एक बटे आठ आठ करते करते पूरा केंद्र पर मिलाते, सॉरी पूरा कोने पर मिलाते मिलाते कितने आए थे प्रभावी कण, एक आए थे, किसके लिए, SCC के लिए आए थे, ठीक। तो पता चला उसमें, कोई दिक्कत यहां तक, चलिए अब बताइए, अब ये जो है इनकी संबंध में देखिए यहां लिख रहे हैं, बताइए PE का फार्मूला क्या होता है, बोलिए तो PE का फार्मूला बोलिए, पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला बताइए, हाँ फार्मूला बोलिए क्या होता है, जेड बराबर क्या होता है, चार बटे तीन बोलो पाई, हाँ आर क्यू बटे क्या होता है ए क्यू, बताओ इसमें गलत बताते हो, बताओ इसमें कितने कांस्टेंट वैल्यू है, कितने कांस्टेंट मान है, मतलब कि जिनका मान फिक्स है, बताइए जेड का मान जानते हैं, जेड का मान बताओ कौन बताएगा, नहीं कोष्ठिका बताएगी, यहाँ कोष्ठिका ना बताएगी, अब प्रभावी कर तो जेड के जेड को कहते ना प्रभावी कर, अब यहाँ जेड का मान कितना रहेगा, किसी भी कोष्ठिका के लिए जेड का मान कितना होता है वो कौन बताती है, हाँ सीसी बताएगी, बी सीसी कौन सीसी है, अब जो बताओ किसी सीसी का दाम कौन बताता है किसी सीसी का दाम कौन बताता है, आप बताएंगे ना, ये नाम बोलेंगे बउआ क्वार्टर अद्दाई से बोलेंगे तब ना चलेगा, हाँ ठीक, तो ऐसे बोलना पड़ेगा तब हो पाएगा, नहीं बोलेंगे तो नहीं चलेगा, ठीक। अब ऐसे ही एक दिन हमको दे दिया गया, कहा गया कि जाइए आप केवल कह दीजिएगा 210 रुपया, केवल कह दीजिएगा 210 रुपये आपको जो दे देंगे लेकर चले आइएगा, तो हम गए तो कहे कि 200, हम कहे कि 210 रुपये वाली दे दीजिए, तो जितने आसपास थे बिल्कुल नहीं बता रहे कहानी, आसपास थे वो सब ताक रहे हैं कहा, हम गए कौन 210 रुपये वाली सीसी आती है, तो कह रहे हैं हाँ, तो हम कहे दे दीजिए, अब सब ताक रहे हैं कि ये पीने वाला ही खुद है इसी को कह रहा है कौन 210 रुपये वाली सीसी आती है तो हमको कोई मतलब गम फिकर नहीं रहता है कि अगर हम लेकर जाएं किसी और का लेने के लिए तो मन नहीं, अरे वो तो पीता है, पीते हम ना जानते हैं पीते कि नहीं पीते हैं, चलिए देखिए ठीक। अब बताइए इसमें ये बताओ जेड का मान कौन बताएगा, हाँ कोष्ठिका बताएगी, कोष्ठिका ही बताएगी जेड का मान कितना होगा, इसके बाद बताओ 4/3 बताओ क्या होता है, कांस्टेंट मान होते, इसमें कोई बताने वाला है नहीं, पाई का मान बताइए, पाई कौन बताएगा, हाँ पाई भी आपकी क्या है 22/7 रखिए या तो 3.4 रख सकते हैं, ठीक। अच्छा उसके बाद आर है, आर आर यहाँ क्या है त्रिज्या है, ए क्या है भुजा है, आर आपकी त्रिज्या ए क्या है भुजा है, अब बताओ ए और आर या आर और क्या ए दो ही ऐसे मान मिल रहे हैं कि जो जिनका संबंध कांस्टेंट नहीं हो पा रहा है, जिनके मान जो है एक साथ नहीं आ पा रहे हैं, तो सारा खेल सारा कार्यक्रम जितनी कोष्ठिका है सभी कोष्ठिका के लिए ये इसी दोनों में से किसी एक का संबंध किसी दूसरे के लिए निकाल लेते हैं, मतलब सुनिए R का संबंध किसके लिए निकालेंगे, A के लिए, मतलब हम लोग R का ऐसा मान खोजते हैं ढूंढते हैं कि जिसमें क्या मिल जाए A मिल जाए, या तो A का ऐसा मान खोजिए जिसमें क्या मिल जाए R मिल जाए, ताकि अगर R का मान A में मिल जाएगा A के रूप में तो A से A क्या होगा कट जाएगा आसानी से आ जाएगा, या तो A का मान अगर R के रूप में खोज लेते हैं तभी क्या करेंगे A की जगह क्या रख देंगे R रखेंगे, तो R से R क्या हो जाएंगे अल्लाह कुर्बान हो जाएंगे, ठीक। यही दोनों कंडीशन के लिए हमेशा चाहे जिस कोष्ठिका का आपको संकुलन क्षमता निकालनी हो सबसे पहले हमको क्या किसकी आवश्यकता होती है ए और आर में संबंध, तो बताइए हमने क्या निकाला है ए और आर में संबंध, बताइए हम निकाल कर बैठे हैं कि नहीं,
बताइए, ए और आर हम लोग निकाल कर बैठे हैं, रट के बैठे हैं, जैसे सूत्र मिलेगा क्या कर देंगे, धुआं कर देंगे। ठीक, देखिए देखिए अब क्या मिलेगा, देखिए बताइए बताइए, जेड का मान यहाँ क्या होगा, जेड का मान बताइए एस सी सी के लिए कितना आता है। हाँ यहाँ नोट कर दे रहे, बताइए ये कौन सी 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 है। हाँ बोलो यार सी सी। ठीक, हाँ इसके लिए बोलिए जेड बराबर कितना मिलेगा, एक मिलेगा बस, यानी जेड का मान भी आपको मिल गया और ए का मान भी मिल गया। ठीक, खास बात यह है कि ए का मान आर के संबंध में मिला है, देखो। ठीक, ये देख लीजिए, अब देखिए, अब बताओ इसमें किसका मान हमको नहीं पता है, सबका मान पता हो क्या, रखते हैं जिसका मान नहीं पता हो उसका किया जाएगा, समस्या का समाधान किया जाएगा। चलिए बताइए P बराबर जेड का मान, बोलिए जेड का मान एक, जेड का मान एक गुणे चार बटे तीन पाई, पाई रहने देते हैं अभी, अभी पाई रहने देते हैं, या तो सीधे सीधे लिख दें, कितना लिख दें 22 दशमलव, बोलो क्या लिख दिया जाए, सात गुणे ए क्यू का मान, सॉरी आर क्यू का मान क्या होगा, आर क्यू रहने देते हैं, आर क्यू का कर देते हैं, रहने देते हैं, बताओ आर क्यू का मान वैसे रहने दिया जाए कोई दिक्कत, बटे बोलो ए का मान, ए की जगह क्या रख दें, हाँ ए की जगह क्या रखेंगे, हाँ टू आर, तो इसका बताओ क्या होगा, क्यू होगा, होल क्यू, कोई दिक्कत, गुड़े बोलो, हाँ सौ होगा, बरोबर, देखिए बरोबर सुनिए ध्यान से, अब देखिए जैसे मान है, एक मान लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत, एक का मान चार बटे बताओ क्या होगा, तीन, बटे को नीचे लेते हैं इन सबों को, कोई दिक्कत, इन लोगों को नीचे लेते हैं। चलिए देखिए क्या लिखे, चार गुड़े क्या होगा ऊपर, 22 गुड़े क्या होगा, आर क्यू होगा, बटे बोलो तीन नीचे आ गया, गुड़े सात, 20 के साथ नीचे आए हैं। ठीक, गुड़े इसका मान बोलिए, इसको बताओ तीन है ना, तीन है, यहाँ देखिए क्या लिख रहे हैं, टू आर क्या लिखे, क्यू लिखे, क्यू का मतलब क्या होता है कि मतलब ये लोग तीन तीन बार हैं, कैसे हैं, तीन तीन बार का मतलब ऐसे, दो आर गुड़े क्या है, दो आर गुड़े क्या है, दो आर। ठीक, तो बताओ दो गुड़े, दो का गुड़ा दो में करेंगे, इसका गुड़ा इसमें करेंगे कितना मिलेगा, बताइए इसका गुड़ा इसमें किए चार मिला, और चार गुड़े दो कितना मिलेगा, आठ आर क्यू मिल जाएगा, आर आर वही है। ठीक, कोई दिक्कत, बताइए क्या लिखे, आठ लिख दिए, गुड़े क्या लिख दिए, आर क्यू लिख दिए, गुड़े बोलो क्या लिखे, सौ लिखे, बताओ आर क्यू, आर क्यू क्या हो गए, अल्लाह कुर्बान हो गए। बताइए अब क्या मिल गया आपको, कौन सा मान मिला, कौन सा मान मिला, बताइए अब आपके, बिल्कुल बताइए कैसे मान मिल गए हैं, बिल्कुल आसान से मान मिल गए हैं, आप इन लोगों को जब चाहे तब काट पीट सकते हैं। ठीक, चलिए देखिए क्या लिखे, अब देखिए बताओ इनको काटेंगे, यदि इनसे काट दिए बताओ कितना मिलेगा, इनको काट दिए इनसे बताओ कितना मिलेगा, कोई दिक्कत, 1100, 11 गुड़े क्या होगा, 11 गुड़े बोलिए क्या होगा, बटे बोलो सात तिया, या सात तिया या तीन सते, हाँ 21, बताओ कितना मिलेगा, 1100 बटे क्या मिलेगा, 21, अच्छा चलिए 21 है। ठीक है, अब देखिए इसको क्या कर दिया जाए, क्या कर दिया, थोड़ा सा हम इधर करते हैं, ये यहाँ 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 यहाँ, यहाँ देखिए क्या लिख रहे हैं, ये देखिए क्या जाएगा, 21 में कितने से भाग देंगे, ये देखिए, अब देखिए बताओ क्या बार लेकर चले, पांच बार लेकर चले, ये से हो रहे हैं, बताइए 21 में जाएगा नहीं तो आपको तीन अंक लेना पड़ेगा, कै अंक तक बताओ क्या लेकर चले, पांच। ठीक, पांच 21 बताओ कितना होगा, नहीं जानते हैं, नहीं जानते, एक का गुणा करिए, पांच एक नम, हाँ पांच होगा, पांच और पांच दूना दस होगा, दस क्या लिखे, बताइए कितना बचेगा, हाँ पांच बच जाएगा, ये सब क्या होंगे, कट जाएंगे, बताओ क्या, जीरो एक, फिर से हमने नोट कर लिया। ठीक, अब इसके बाद बोलिए, इसके बाद बोलिए क्या लिखेंगे, 21 में कई बार लेकर चले कितना मिलेगा, हाँ 21 दूना बताओ कितना मिलेगा, हाँ 42 मिलेगा। ठीक, अब बताओ 42 में से घटाएंगे क्या मिलेगा, यहाँ हाँ 08 मिलेगा। ठीक, जीरो दहाई आठ इकाई ना है, हाँ। ठीक, अब बताइए क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएं तो क्या बढ़ेगा, जीरो बढ़ेगा, बताओ कई बार लेकर चले, तीन बार, तीन बार लेकर चले, अब बताइए तीन बार लेकर चलेंगे तो कितना मिलेगा, हाँ तीन बार लेकर चलें कितना मिलेगा, बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए, हैं, अगर चार बार लेकर चलेंगे तब,
84 हो जाएगा, 84 होगा ना, 4 बार लेकर चलेंगे 84 हो जाएगा, तो इसका मतलब, अच्छा चलिए चलिए ठीक है, 3 बार लेकर चलते हैं, 3 बार लेकर चलेंगे, बताओ क्या मिल जाएगा, हाँ 63। अब बताओ क्या मिलेगा, यहाँ से फिर से घटाएंगे तो यहाँ से यहाँ मिलेगा आपका 10 हो जाएगा, 10 में से 3 7 मिलेगा, और यहाँ 7 1 ये नहीं मिलेगा, 7 में से 6 जाएगा 1 मिलेगा 17, फिर 10 बोलो, यहाँ तो ऑलरेडी है, आप यहाँ एक अंक तक बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो अब आपकी क्या बार लेकर चलेंगे बताइए, लगभग आपका 8 से 7-8 बार जाएगा। ठीक, तो बताओ 7-8 बार यदि मान लेते हैं, क्या बार लेकर चले, 8 बार, तो आप जानते हैं कि अगर 8 को अगर हम हटाना हो तो इनको क्या करेंगे, एक अंक बढ़ा देंगे, ऐसा कर सकते हैं। तो बताइए इन टोटल इनके स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5-2 यानी दशमलव क्या लिख सकते हैं, 4, क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 4। ठीक, लिख सकते हैं, बताइए 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 इनके स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ 52.2 क्या लिख सकते हैं, 4। बताओ किसका मान आया था, पीई, पीई बराबर, पीई बराबर कितना मिल गया आपको, 52.2 क्या मिल गया, 4%। किसका मान मिला है ये, किसका पीई, हाँ संकुलन क्षमता, बताइए किसकी, एससीसी की संकुलन क्षमता कितनी आई, 52.4 आई। ठीक, अगली जितनी सीसी पढ़ाई जाएगी ये सब कार्य नहीं किया जाएगा, सीधे बता दिया जाएगा कितने हैं। ठीक, क्योंकि ये सब पहले इसी से संदेशा भेजा जाता था, इसी के वही मिथुन दा की फिल्म होती थी ठीक वाली, और उसी में लगा दिया जाता था, नटाइम लटका दिया जाता था, जाओ चलिए सुन लिए सुन लीजिए, ठीक है चलिए, जो 52 कितना आया है, 52.4, हाँ 52.4% मान किसका आया है, हाँ एससीसी का, कितना आया है, एससीसी का। ठीक, एससीसी का जो मान निकल कर आया है, बताओ एससीसी का ये पैकिंग एफिशिएंसी क्या बताती है, क्या बताती है, कि मन जितने कण हैं, ठीक, जितने कण हैं वह सिर्फ इस कोष्ठिका का कितना भाग घेरे हैं, मतलब आधा का होगा, खाली होगा, आधा भाग क्या होगा, खाली होगा। देखिए देखिए सुनिए सुनिए, ये हमारे पास देखिए क्या है, मान लिया जाए कि हमारे पास एक पर्स है, क्या है, अभी एक पैसा गर्मी देखेंगे, ठीक, मतलब ही इसमें चलेगा, कितना भाग, मतलब इसमें कितना पैसा हम रखेंगे कि क्या होगा, भर जाएगा, ये कौन बताएगा, नहीं ये बताएगा, संकुलन क्षमता बताएगी। ठीक, इसमें तो पैसा बताएगा, इसमें तो पैसा पैसा बताएगा, ये देखो ऐसे हो जाएगा, इसमें बताओ क्या होगा, पैसा अगर ज्यादा रहेंगे, अगर ये बता रहा है तो ये जो ऐसे हो जाएगा, ऐसे रहेगा मुंह भागा, मतलब गर्मी है इसके अंदर निकल रही है। ठीक, ये बताएगा, मतलब आपको समझना क्या है कि जो पैकिंग एफिशिएंसी आई, जो संकुलन क्षमता किसका निकल कर जो आया है, वह संकुलन क्षमता 52.4%, मतलब इस कोष्ठिका में, इस कोष्ठिका का जो भाग है, इस कोष्ठिका का जो भाग है, मान लिए माने थे आपने, यही माना था कि यही आपकी क्या है, यही आपकी क्या है, एकक कोष्ठिका है। अब इस एकक कोष्ठिका में हम कितने कण रखे हैं, 8 को, 8 जगह ऐसे कोने कोने पर क्या किए हैं, रखे हुए। जब 8 जगह ऐसे कोने कोने पर कण को यदि हम रखेंगे रखेंगे तो बताओ यह कितना भाग इसका घिर जाएगा, अंदर से कितना भर जाएगा, कितना भरेगा, 52.4% क्या होगा, भर जाएगा, बाकी क्या होगा इसका, खाली होगा। बाकी का मतलब क्या होगा, प्रतिशत लगा है तो 100 में से क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक, 100 में से घटाएंगे, जितना भाग आएगा उतना आपका क्या होगा, खाली होगा। ठीक, तो कितना भाग खाली होगा, 47.47 ठीक, 47.6 कितना होगा, 6, यानी इसका ये भाग, बताओ ये भाग प्रतिशत क्या बताता है, कि ये क्या है, घिरा है, क्या है, रा है, रा है, किसी हिंदी मुख्य क्रिया के शब्द के अंत में रा है आती है, रा है, री है, ठीक, नहीं आता है, घिरा है। अब बताओ भरा कितना है, ये बताओ घिरा है तो इसका मतलब कि इतना क्या हो गया, भर गया, तो बोलो खाली, लिखा, लिखा नहीं, खाली ना, उसी का उल्टा, हाँ बस बस क्या आएगा, शेष लिख दे रहे हैं, शेष 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 ना नहीं शेष
शेष का मतलब क्या होगा, कितना होगा, 47.6% भाग क्या होगा, खाली होगा। ठीक, पता चला। मतलब बताइए, अगर इस कमरे को हम मान लें कि ये कमरा कौन सा सीसी है, ठीक, तो बताइए ये कमरा जब आपका यस सीसी होगा तो आप सभी लोग क्या इसके हैं, अभी कर आप 8 लोगों को बताओ टांग दिए जाए, 4-2 इधर, नहीं एक इधर और 2 इधर, ठीक, 4 लोगों को बताओ टांग दिए जाए और 4 लोगों को नीचे बैठा दिया जाए, तो बताइए उस समय आप कितना इस कमरे का स्थान भर लेंगे। 8 लोगों को बैठा देंगे आधा भर लेंगे, नहीं, मतलब ये कमरा आपका बड़ा है, मान लिया जाए कौन सा सीसी होगा, यस सीसी होगा, तब के लिए बताओ अगर 8 लोगों को बैठा दिया जाएगा तो बताओ क्या होगा, कमरा इतना आपका भर जाता, इतना कमरा घिर जाएगा, बाकी इतना भाग क्या रह जाएगा, खाली होगा। बात समझ में आई, कुछ तनी मनी बात समझ में आई हो तो इसको इतना छाप लीजिए, रसगुल्लों, बात समझ में आई। तो हेडिंग आपकी क्या है, हाँ, एससीसी की संकुलन क्षमता। छापा, ये बहुत जरूरी, आपको पहला डेरिवेशन था इसलिए थोड़ा समय लेकर के बताया गया है, पहला डेरिवेशन था इसलिए थोड़ा समय लेकर के बताया गया है, ऐसे ही आपको और आएंगे, लिखते रहिए बोलते रहिए। बताइए प्रभावी कण आते हैं तब कौन आएंगे, प्रभावी कण बताओ जब आएंगे तो कौन आएंगे, लिखते रहिए। प्रभावी कण नहीं जानते हैं, जेड का मान, प्रभावी कण आएंगे तो जेड कणों की संख्या बताएंगे, प्रभावी कण आएंगे तो कौन क्या बताएंगे, हाँ मतलब प्रभावी कण आए तो कण लेकर आएंगे, एससीसी में प्रभावी कण आए थे तो कितने कण लेकर आए थे, टोटल 1 लेकर आए थे, पूरा कण लेकर आएंगे ना, 8 लोग आए थे लेकिन झलक दिखला जा की तरह आए थे, दिखलाकर चले गए थे, 7 में टोटल झलक झलक करके मिलकर के बताओ कितने बने थे, 1 बने थे। ना मनबा हो, हुआ सवेरा चिड़िया बोली, हाँ बच्चे ने और मारा वही के, हुआ सवेरा चिड़िया बोली, अच्छे बच्चे मंजन करके, नहीं मंजन करते, मंजन करके, हाँ मुंह को धोते, मुंह को धोकर रोज नहाते, एक लाइन भूल गए हो, मुंह को धोकर रोज नहाते, रोज नहाकर खाना ठूसते। एक ऐसे और है, ट्विंकल ट्विंकल जोनी जोनी, ना ना ना, हम ना ये मांजा मांजा वही तोड़बा लोगन, वो पक्का है कि कल परसों टूट जाएगा, वो नया लग गया ना, कुछ अजीब लग गया, कहा देखो, हाँ ये हनी सिंह वाला चल रहा ना, ये वाला, ये देखो, ये 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 बीत गया, अब आ गया है नया, आ गया ये वाला, उनको अभी पता नहीं है कि ये आ गया है। ये बहुत जरूरी है, फिर से बता रहे हैं, ये बहुत जरूरी है, पेपर में पूछे जाते हैं ये, अभी इनके अनेक नाम मिलेंगे, अन्य नाम मिलेगा, यस अभी यस सीसी मिल रहा है, कहीं आपको यच सीसी दे देगा, सीसीपी दे देगा, तो उन सभी के लिए क्या क्या कंडीशन होगी सब बताया जाएगा। अभी
अब नहीं होता, पहले खूब जोरों शोरों से हर स्कूल पर होता था। एनुअल फंक्शन 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 मान जाता लोगन रे अब ना छोड़ देबा वही तेरे हम जानत हैं बस पक्का है गिरी गिरी वो टूटी। अब तो एक बार अगर मारा जाए तब नुकसान तब उसमें एक लिखते लिख रहे हैं ना और लिखते रहिए। तब उसमें एक हमेशा होता था नाटक और उस नाटक में हमेशा अधिकतर रोल रहती थी मेल की। उसमें एक शुरुआत में चलता था अजी सुनते हो लिख लिए नहीं हम लोगों का डांडिया डांस था ग्रुप डांस था रहुरा कमी रह लिया। हम भी ये सोच रहे थे अब तक अब शांत क्यों है इतना आधी घंटा बीत गया पता ही नहीं चला कब तक इतने शांत थे। नोट कर लिए इसको यही सबसे कठिन है इसको ध्यान से समझिए इसके बाद आने वाले इस पर हो नहीं पाएंगे इतने कठिन रहेंगे। इसके बाद वाले सब और ज्यादा बड़े हैं यही सबसे आसान था। चला चला ओहो बुझ गई ली चले मिठाई इसको कुछ पूछना चाहते हैं तो इसमें पूछ सकते हैं कुछ पूछना चाहते हैं तो इसमें पूछ सकते हैं कहाँ कैसे कहाँ का चीज आ जा रहा है। किसी को समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं पूछो कि हम पूछें इसको रहने दे कि मिटा कर फिर से बताएं मतलब मतलब ये नहीं मतलब कि इसको मिटा करके फिर से पूरा लिख कर बताएं कि मतलब इसी पर। चलिए देखिए ध्यान सुनिए सबसे पहले हम लोग किसी का भी संकुलन क्षमता निकालनी होगी तो सबसे पहले उसका सूत्र लिख लेंगे ठीक। अब उसके सूत्र में देखा जाएगा कितने बात मिले ये जेड मिला है और क्या आर मिला और ए यही तीनों आपके क्या होते हैं हमेशा के लिए फिक्स कर लीजिए यही तीनों मान जो है आपको कहीं से ला करके रखने होते हैं। तो जिस कोष्टिका के लिए हम लोग रखते हैं उस कोष्टिका के लिए जेड का मान खुद बता देती है। कोष्टिका जब भी आती है तो बताओ अपने साथ क्या लेकर आती है प्रभावी कण लेकर के आती है प्रभावी कण लेकर आती है। बताओ ठंडी आती है तो अपने साथ क्या लेकर आती है शीत लेकर आती है शीत लेकर आती है ना। बताओ अभी आपके सामने अगर नेता हैं तो क्या लेकर आते हैं वादे लेकर आते हैं वादे तमाम वादे लेकर आते हैं हम बिजली मुफ्त कर देंगे आई मुफ्त कर देंगे लैपटॉप बांट देंगे टैबलेट दे देंगे वादे लेकर आते हैं अपने साथ ठीक। तो ये जैसे कोष्टिका आएगी अपने साथ खुद जेड का मान लेकर के आएगी। अब उसके बाद बात रही ए आर की और ए की तो ए और आर यही दोनों की बात है तो ए और आर हमेशा आपको बताओ किसमें मिलेगा कोष्टिका के चेहरे में मिलेगा कहाँ मिलेगा कोष्टिका के दर्पण में मिलेगा मतलब कोष्टिका का चेहरा बताएगा ए और आर का मान निकालने के लिए। तो ये कोष्टिका आपके सामने थी किसकी यस सीसी की तो यस सीसी बताया जो कर थे। अच्छा आप कैसे समझेंगे कि ए और आर का मान इसी से निकल कर आएगा तो हमेशा जहाँ कर होंगे वही लेने रहेंगे ठीक। कोष्टिका में जहाँ कर रहेंगे यदि इनमें बताइए कर कितने थे कोने पर तो हमने क्या लिया इन कोने से संबंध लिया। अगर इसमें कर अगर आ जाए केंद्र पर अगली वाली में तो कोना केंद्र के साथ लेंगे कोना वाला भी उसी में आ जाए केंद्र वाला भी उसी में आ जाए साथ में ठीक। अच्छा जब कोना भी आ जाए केंद्र भी आ जाए जब फलक आ जाए तब क्या करेंगे तब कोना और फलक
केंद्र तब उसमें नहीं आता, वहां फलक के ही केंद्र होते हैं। तो ऐसा किया जाएगा, हमेशा आपको ए और आर का संबंध निकालना है। जैसे ही ए और आर का संबंध निकाल लेंगे, तुरंत बताओ ए और आर के संबंध को किसमें रखेंगे, सूत्र में। और सूत्र में रखेंगे तो वही सूत्र के मान आपके हमेशा के लिए इसी का मान निकाला जाएगा, ए का मान ही। इस ए की जगह हम लोग आर का मान रख देंगे, हमेशा की तरह कट जाएंगे। ठीक, कटने पिटने के बाद जो जो मान होगा रखते जाएंगे, लास्ट में क्या आ जाएगा आपका, एक प्रतिशत निकल कर आ जाएगा। अच्छा, प्रतिशत यहाँ क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि सौ से गुणा किए हैं। अगर ये सौ से गुणा नहीं करते तो प्रतिशत नहीं लगाते, लेकिन मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। ठीक, मान आपका आंसर वही आएगा, केवल क्या नहीं आएगा, यहाँ प्रतिशत नहीं आएगा। तो प्रतिशत बताओ, अगर हटाएं, प्रतिशत अगर हटाएंगे तो सौ से क्या करना पड़ेगा, भाग। बताओ ये प्रतिशत है ना, अगर प्रतिशत हटाना है तो नीचे बटे सौ कर दीजिए। ठीक, या तो इसको हटा दीजिए तब हट जाएगा, अगर लाना रहेगा तो क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, तब आ जाएगा। तो यही कंडीशन थी, ऐसे प्रतिशत निकल कर आए हैं। तो जिसके जितना प्रतिशत आएगा उतना प्रतिशत हमेशा क्या होगा, घिरा हुआ भाग होगा, उतना प्रतिशत उसमें कण क्या करेंगे, घेरे रहेंगे। ठीक, जैसे हमने बताया था कि अगर इस कमरे में मान लिया जाए, इस कमरे का बताओ कितना प्रतिशत आ गया, इतना प्रतिशत आ गया। कमरे के अवयव कौन है, आप लोग हैं, तो उस हमेशा के लिए, हमेशा के लिए बताओ कि कमरे में कितना भाग घिर जाएगा, 52.4 गिर जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, खाली होगा। वैसे ये कंडीशन आपके लिए शेष है। तो नीचे लिखिए, अतः एससीसी वही लिखना है जो जितना भाग घिरे हैं। अतः एससीसी के कणों द्वारा घिरा हुआ भाग, अतः एससीसी के कणों द्वारा घिरा हुआ भाग 52.4% है। शेष 47.6% भाग खाली है, खोखला है, रिक्त है, कुछ भी लिख सकते हैं, रिक्त लिख सकते हैं, खाली लिख सकते हैं, खोखला लिख सकते हैं, है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, कौन सी सीसी आएगी, चलिए देखिए। 20 सीसी का देखिए, एक झलक देखिए जल्दी से, करंट की तरह देखें सभी लोग, है मिटका दें, कोई दिक्कत है ना इसमें, छाप लिए हैं। सूत्र तो आपका रहेगा ही, बस इसी की जगह क्या होगा, 20 सीसी हो जाएगा। स्टाइल वाला भी है, वह मॉडर्न है। कहाँ जा, कहीं कहीं जा रहे हो, आज नहीं है क्या, कहीं आज भी है, जैसा लगा, जैसा गाना लगा जय अखिलेश, ओकर बाद तुरंत सब बाज गए, बंद करो बंद करो बंद करो एकदम, भाजपा लग रहा है यही लिए, अपने अपने घर, हाँ अखिलेशक देना वोट, अपना नहीं देना रहेगा, गलत ही होना रहेगा। ठीक, चलिए, हमारे कहने से नहीं है कुछ, हमारे कहने से कुछ नहीं, ये मत कहना कि हम समाजवाद हैं, कुछ हैं, सब अपने अपने स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। हाँ, कौन रोकेगा किसको, लेकिन हमको पहली बात देना है, हम तो वहीं देंगे, बस बस, और का जब तक पढ़ेंगे तब तक साइकिलिप देंगे, पढ़ना है तो साइकिलिप दीजिए, ये मत कहिएगा वो कह रहे थे साइकिलिप वोट देने के लिए, ये मत कहिएगा। ठीक, सुन लीजिए ध्यान से, अब देखिए इसी में बीसीसी है, तो बीसीसी के लिए क्या होगा, हाँ बस एक कट अंतर है कि बताओ क्या होंगे, किसके केंद्र पर, एक कोष्ठिका के, फलक के केंद्र पर, एक कोष्ठिका के, ये आपकी होगी एक कोष्ठिका, इसके क्या होंगे, यहाँ
केंद्र पर हो जाएंगे, केंद्र पर। अब सुनिए ध्यान से, ये केंद्र हो गया, केंद्र हो गया ना। अब आपको ए और आर में संबंध कैसे लेना है बताइए, ए और आर में संबंध कैसे लेना है? हाँ, कि दोनों लोग आ जाएं, केंद्र वाले भी आ जाएं और कहाँ जाएं, केंद्र वाले भी आ जाएं और कहाँ जाएं, कोने वाले भी आ जाए, ऐसा लेना। ठीक, तो बताओ ऐसी कौन सी लाइन है? यही है, यही है, ये कौन है? नहीं, विकर्ण है। अब बताइए ये जो गोले स्पर्श किए हैं, कितने गोले स्पर्श किए हैं? है? हाँ, कितने गोले स्पर्श किए हैं? पांच थे। ठीक, कितने गोले बताओ? एक, दो, तीन, चार, पांच। ठीक, और कहा कुछ और सोच रहे हैं? कहा नहीं तो हमारी नजर सोचिए, कहा है कितने गोले स्पर्श किए हैं? हाँ, हमारी नजर सोचिए, आप तो अपनी नजर से बता रहे हैं ना, पांच। बताइए हमारी नजर से कितने गोले स्पर्श किए हैं? मतलब बताइए, जादू है, जादू। देखिए आप लोगों को जादू आता है, मतलब हमारी नजर से सोच सकते हैं, अपनी नजर से देख लीजिए। सुनिए, एक कितने गोले स्पर्श किए हैं? घर जाइएगा, ऐसे खोखला डब्बा लीजिएगा, ठीक, और सुई या धागा, सुई या धागा, ठीक, सुई धागा फिल्म देखने के लिए नहीं कर रहे हैं, सुई धागा वाली फिल्म मत देखिएगा, ठीक है? हाँ, सुई और का लीजिएगा, धागा लीजिएगा, और उसके बाद, ठीक, उसके बाद आप खुद स्वयं से देख लीजिए, हाँ सुन लीजिए, बाबू मुन्ना हीरा मोती सोना लाला, देखा है? ठीक, देखिए ये जो है, ये जो है ना, आप एक साइड से यहां से क्या करिएगा, सुई यहां से, हाँ ठीक, हाँ ये बताओ, ये बताओ, अब सुई यहां से बताओ लेकर जानी है कहां तक? हाँ, ये देखिए हम लिखे थे कहीं 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 कहीं। इसको अगर मान लेते हैं कि आपका ए है, इसको मान लिया जाए कि बी है, तो ध्यान से सुनिएगा कौन ए है कौन बी है। ये देखिए, ये आपके सामने, ये मान लीजिए सुई है, अब इस सुई से यहाँ हम लिख दे रहे हैं, ये वाला पार्ट आपका सामने वाला क्या है? ए है, है ना। अब इसी के पीछे बताओ क्या यहाँ है? ये बी वाला कौन, ये वाला भाग कौन सा आपका है? यहाँ का ना है, यहाँ का क्या है? बी है। ठीक, अब ए से बी तक बताओ हमको क्या लेकर जानी है? सुई लेकर जानी है। बताओ यहां से आप सुई यदि लेकर कहां जाएंगे? यहां से ए बलग यहां तक। ठीक, बताओ सुई लेकर के यहां से यहां तक जाएंगे तो बताओ रास्ते में कितने परत ये पड़ेगा, कितने गोले पड़ेंगे? यहां से जाएगा तो ये आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये चित्र आपका कुछ ऐसे है। कैसे है? ऐसे है। तो ये वाला जो है आगे वाला, जो यहाँ वाला, मतलब ये जो पीछे वाला रहा है, वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो बताओ ये क्या है आपका? घन होगा। तो बताओ ऐसे सुइया लेकर जाएंगे तो ऊपर स्पर्श करेगा पीछे वहां? नहीं करेगा। यानी ए से यहाँ से लेकर जा रहे हैं आपका यहाँ, अच्छा बताओ यहाँ से यहाँ लेकर जाएंगे तो भाई आगे वाला भगवा का स्पर्श करेगा? अब हमको बनाना है तो कैसे बनाए पर, अब इस पर हमको दिखाना कैसे दिखाए? अपन कहें हमारी नजर से देखिए, और कौन नजर हो सकती है? हो सकती है। तो बताओ आप यहां से लेकर जाएंगे तो भाई ना ही ये आगे वाला स्पर्श करेगा और ना ही ये पीछे वाला, ये दोनों तो पक्का है कि स्पर्श नहीं करने वाले। बताओ जब ये दोनों स्पर्श नहीं करेंगे तो बताओ कितने गोले हुए? हाँ, पहला ये, दूसरा, दूसरा ये, नहीं ये गोले में जो इसके बीच में आप गोली रखे रहेंगे, मतलब सुई लेकर जाएंगे और इसके बीच में एक गेंद, जानते हैं ये जो इस समय आ रहा है रबड़ वाला, छोटा नहीं है, ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, इस गोले से जो है छोटा रहता है। ठीक, और नहीं जानते होंगे ना तो कलम देखें, कलम 5 रुपए वाली कलम होगी ना, डपनवा में थोड़ा सा प्लास्टिक नुमा रहता है, वही के मट्टी तेल में रख दे फूल जाए। हाँ, कहाँ रखेंगे? मट्टी तेल में रखिएगा, वो बड़ा हो जाएगा। ठीक, और नहीं जानते हैं तो आपको जो सुई लगा, जो सुई लगाने के लिए जो आपके पास जो केमिकल आता है, मतलब जिसमें सिरिंजवा जो उसमें जो लोग सुइया पनिया जो ना था, पनिया ऊपर डपनवा ऊपर देखें तो प्लास्टिक का रहता है, रबर टाइप का, ओके मट्टी तेल में रख दिया बड़ी हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी। ठीक, रख कर देखिएगा, या तो 5 रुपए वाली, 7 रुपए वाली, 8-10 रुपए वाली कलम होगी तो उसमें जो ये कैप होता है ना, कैप हुआ में छोट का प्लास्टिक लगा होता है, प्लास्टिक टाइप छोट का गोल का होता है, उसको भी मट्टी तेल में रखेंगे तो क्या होगा? वो फूल जाएगा, बड़ा हो जाता है। ठीक, और बाद ऐसे बीच में रख लीजिएगा, हाँ इसके पहले कुछ नहीं आते थे, ऐसे छोट छोट आते थे, एकदम महीन महीन के आते थे सब गेना, लाल पीर कई कलर में पनिया में रखते थे, फूल जाते थे सब, वही नहीं देखे होंगे, हो सकता है, हो सकता है कि आप उस समय 45 की अवस्था में रहे होंगे तो घर से बाहर ना निकलते होंगे, नहीं देख पाए होंगे,
तो यही कंडीशन है, बताओ यहां से अगर अगर यहां से सुई को लेकर जाएंगे तो बताओ कितना कितने गोले स्पर्श करके जाएगी, तीन गोले जाएगी। ठीक, अब देखिए यहां से बताओ हमको कहां लेकर चलना है, सुई यहां लेकर चलना है, यहां इसको मान लिया जाता है क्या, ए बी सी है, कुछ भी मान सकते हैं, उसको ए मान लीजिए, इसको बी, इसको सी मान लीजिए, कोई मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो अब बताइए ए और बी जो सी बन रहा है ये क्या कैसे बनेगा, देखिए ध्यान से, ए है, ए है, ठीक, ये वाला क्या था, तो बताओ सी वाला कौन सा है, कौन कौन, इसके बी के नीचे, देखो बी वाला ही क्या है, उसी के नीचे क्या है, सी है, तो बी के नीचे यही क्या है आपका, सी है, सी। ठीक, तो अब बताइए बताइए इसकी आकृति कैसी बनेगी, इसकी आकृति कैसी बनेगी, ध्यान से देखिए, ये ले गए ए, ए से लेकर गए कहां, बी, आइए यहीं से बताओ सीधे लेकर आ रहे हैं, कितना, सी लेकर आ रहे हैं, तो बताओ ये जो आकृति बन रही है, ये जो आकृति बन रही है, ये बताओ ऐसी जा रही है, ये ऐसी आ रही है, यही ना है। अब ई मत कहिएगा, ई मत कहिएगा कि यहां से ये वाली लाइनिया ये नहीं है, ये जो लाइन है ये लाइन देखिए, और इसको देखिए, ई मत कहिए ये वाली नहीं है, ये वाली लाइन जो है इसके साथ हमने बना दिया है, ऐसे बनी है, तो बताइए ये जो लाइन, ये जो जार सुडान डान उडान, अच्छा कुमार नहीं सर कर ये देखिए ध्यान सुनिए हमका बता रहे, ये आपका क्या है, ए है, और ये ए है, ये क्या है, बी है, ये हो गया आपके सी, तो इनके बीच ये जो कोण होगा कितने का होगा, ये देखिए ये यहां से जा रहा है, इनके बीच का ये वाला कोण बताओ कितने का है, ये वाला नहीं पूछ रहे हैं हम, देखिए दो बात है इसी में, एक ये कोण की बात है, एक ये कोण की बात है, तो ये वाला कोण बताओ कितने का है, बताओ कैसे, जानते हैं पाइथागोरस पर में कहां लगाते हैं, समकोण पर ही लगाते हैं, दूसरे के साथ नहीं लगेगा, ऐसा नहीं करना है, आप जानते हैं, जबरदस्ती नहीं। ठीक, देखिए दूसरे के साथ नहीं, देखिए ये ए है, ये बी है, इसी के नीचे सी है, तो बताओ अब यहां से लेकर जा रहे हैं इसे, यहीं से बताओ सीधे ऐसे नीचे बन रहा है, बन रहा है, ये सीधे आपका नीचे यहां है, ठीक, इसी के ऊपर ये ऐसे है, ध्यान देखिए, ये हो गया आपका नीचे वाला परत, इसके इसके नीचे का मतलब ये वाला जो हो गया हिस्सा नीचे का, ए से कहां तक, सी, ए से सी, ये ऐसे तिरछा है ऐसे, ठीक, अब इसी तिरछे पर, इसी तिरछे पर ए, 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 ऐसे इसी तिरछे पर बताओ क्या रख दें, एक ऊपर बी आया है, बी का मतलब एक बी आपके ऐसे आए हैं, आए हैं, एक बात ये बी है, और ये जो तीन रेखवा छेद कर गया है बिकड़, ये है, ये आपका सीधा है, ये थोड़ा छोटा पड़ जा रहा है, ऐसे बताओ ये ऐसे बिगड़ गया है, अब बताओ ये एक दूसरे के कितने फोर हो रहे हैं, 90 के हो रहे हैं, 90 के हम बता दें तुरंत कि ऐसे ये बन गए हैं, ये बन गए हैं, इनके बीच का 90 का है, तो कोई कहे कैसे 90 का है, हे बिकड़वा से हेकरे बिकड़वा के बीच कैसे 90 अंश हो जाएगा, देखो ऐसे हो रहा है, देख रहे हैं ये वाली जो आपकी भुजा नीचे की वाली है, इसी के ऊपर ये है, और ऐसे ये बताओ बिगड़ जाएगा, तो ये एक दूसरे क्या होंगे, 90 होंगे, क्योंकि हमको इसमें पाइथागोरस फॉर्म में लगानी है, ये वाली बताओ भुजा क्या होगी, ये यहां से लेकर के यहां तक वाली भुजा बताइए क्या होगी, ए होगी, ए होगी, ठीक, तो बताओ ये कौन सी होगी, नहीं जान पाएंगे, बता पाएंगे न, ये वाली भुजा नहीं बता पाएंगे, तो आप इनके लिए डी मान लीजिए, क्या मान लीजिए, डी मान लीजिए, बहुत जे खाई दही देख रहे हो, दुनिया भर कहते पूरा बेकार हो जाएगा, एक दिन हमारे हेत लग गया सब चलिए देखिए अब ये जो भुजा आपकी जा रही है, देखा तो टूटिया मत तू हूं, देखिए ये वाली जो भुजा आपकी ये जो है, अब बताओ इसीलिए आपको इसका इसका भी नाम क्या होगा, ए, इसका भी नाम क्या होगा, ए, बताओ इन 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 त्रिभुज में बताओ हम निकाल सकते हैं क्या, पाइथागोरस पर मिला के, ए है ना, ए बताओ ये ए है, ये है, ए है ना, तो बताओ क्या हो जाएगा, ये ए है, ये ए है, बताओ ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, ना 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 ए स्क्वायर होगा ना, मतलब एक का क्या होता है इससे वाले का, इन दोनों का स्क्वायर होगा, का योग इसके बराबर होता है, टू ए स्क्वायर होगा, ठीक, ए स्क्वायर मिलकर के
टू ए हो जाएंगे, ठीक। इसका मान निकल कर आ जाएगा, जब इसका मान पता रहेगा, इसका मान पता रहेगा तो बताओ इसका मान भी फिर निकाल सकते हैं, ठीक। इसका मान आ जाएगा थ्री ए स्क्वायर, ठीक। तो इसकी सहायता से हम लोग ए और आर में फिर संबंध निकालेंगे, तब जाकर के क्या करेंगे इसको लगाया जाएगा। मतलब इसमें दो त्रिभुज आपके बनेंगे, दोनों त्रिभुज हमने बता दिया कैसे कैसे बन रहे हैं, इसको पढ़ा जाएगा बेने, इसको पढ़ा जाएगा कल पढ़ा जाएगा। केवल हमको कोण बताना था, इसलिए हम कोण हमको बताना था, इसलिए हम कोण के बारे में बताए हैं। ये भले लगा होगा कि आपको खाली एक छोटी जो टॉपिक बताए हैं, तो ये जो टॉपिक है सब, ये सब टॉपिक पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए हम इसको एक एक करके बता रहे हैं, नहीं तो इकट्ठा तीनों बता दे जाता, खत्म हो जाते, ठीक।